हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। इफ़ यू लाइक अवर कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एलजेब्रा फ्रॉम गेट 2018 क्वेश्चन पेपर। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट लेट ए इक्वल्स टू, ये हमें 3x3 मैट्रिक्स दी है, मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, वेयर ए बी सी एंड एफ आर रियल नंबर एंड एफ डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, then the geometric multiplicity of the largest eigenvalue of A is equals to, then largest eigenvalue की geometric multiplicity की बात की गई कि largest eigenvalue की geometric multiplicity होगी क्या। let us take largest eigenvalue is lambda, so lambda अगर इसकी eigenvalue है, then by Cayley-Hamilton equation कहती है मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू जीरो। सो ए माइनस लेमडा ही अगर निकालेंगे देन विच इज इक्वल्स टू दिस, देन इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जीरो आता है वो इम्प्लाई करता है उसकी रैंक एन तो होगी नहीं, देन रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा इज लेस देन एन। सो यहाँ अगर एन की बात करें देन एन इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, सो एन की वैल्यू 3 है, सो रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा इज लेस देन 3 आ जाएगा। देन रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा लेस देन 3 है, देन इसकी रैंक या तो 2 होगी या 1 होगी। सो अगर 2 की बात करें, 2 की बात करते हैं देन 2 तो तब होगी, इसका कोई भी एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इसमें सब मैट्रिक्स अगर लेंगे देन उस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ जाएगा देन वही सब हाइएस्ट सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो वो इसकी रैंक हो जाएगी। सो अगर 2x2 की बात करें देन अगर ये वाला ब्लॉक लेते हैं देन यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी जीरो आएगा, क्योंकि अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा देन इफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल्स टू जीरो, दिस वन इज इम्प्लाई 6f² = 0 इम्प्लाई करता है f इक्वल्स टू जीरो। देन यहाँ से आएगा f इक्वल्स टू जीरो, बट f डजेंट इक्वल्स टू जीरो हमें क्वेश्चन में गिवन है, देन यहाँ से ये कंट्रडिक्शन प्रॉपर्टी आ गई। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग दैट ये डिटर्मिनेंट डजेंट इक्वल्स टू जीरो को, और अगर ये डजेंट इक्वल्स टू जीरो है देन ये इम्प्लाई कर रहा है रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई स्क्वायर लेमडा आई इक्वल्स टू 2 आएगा। सो अगर रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 2 है देन नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू एन माइनस टू विच इज इक्वल्स टू 3 - 2 इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सो यहाँ से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इक्वल्स टू नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई, सो यहाँ से नलिटी इसकी नलिटी 1 है, दैट्स वाई यहाँ से जी एम आ जाएगी इसकी 1। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ हाइएस्ट आइगन वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगी यहाँ से। सो यहाँ से गिवन क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। NAT टाइप क्वेश्चन है, मार्क्स 1 का क्वेश्चन है, सो यहाँ से इसका आंसर आ गया 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम NAT टाइप क्वेश्चन एंड मार्क्स 1 क्वेश्चन। कंसीडर द सबस्पेस। सबस्पेस गिवन है W1 इक्वल्स टू X1 X2 X3 3 टपल्स का सेट है बिलोंग्स टू R³। साथ ही कंडीशन गिवन है X1 इक्वल्स टू X2 2 X3 एंड W2 गिवन है 3 टपल्स का एक सेट X1 X2 X3 बिलोंग्स टू R³ वेयर X इक्वल्स टू 3X2 प्लस 2X3 ऑफ R³। देन द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल्स टू, देन इसकी डायमेंशन होगी क्या। इसकी डायमेंशन निकालने के लिए सबसे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 होती है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो सबसे पहले W1 और W2 की डायमेंशन की बात करेंगे, देन W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन की बात करेंगे। तो इसे निकालने के लिए अगर देखें W1 हमारे पास ये जो सेट गिवन है ये इसमें हमें एक ही कंडीशन दी है वो है X1 इक्वल्स टू X2 प्लस 2X3। सो डायमेंशन ऑफ एनी वेक्टर स्पेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ Li कंडीशंस। सो अगर यहाँ से Li कंडीशन की बात करें तो यहाँ से टोटल कितनी Li कंडीशंस आएगी, मतलब अगर हम X2 की वैल्यू निकालें एंड X3 की वैल्यू निकाल लें, इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे देन X1 की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में अपने आप निकल जाएगी। सो X1 हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट कंडीशन आ गई, सो X1 अगर डिपेंडेंट आ रही है और साथ ही ये जो दो कंडीशन आ रही है X2 एंड X3 दोनों इंडिपेंडेंट कंडीशंस हैं। सो डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंडीशन। सो यहाँ पे कितनी इंडिपेंडेंट कंडीशन बनी, हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट कंडीशंस बनी है। सो डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू 2
सिमिलरली अगर W2 की बात करें, देन W2 इक्वल्स टू दिस, देन यहाँ भी हमें एक ही कंडीशन दी है. सो अगर इसमें भी X2 एंड X3 दो की अगर वैल्यू निकाल लेते हैं, X1 के उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास आ जाएगी. तो यहाँ से भी दो ही इंडिपेंडेंट कंडीशन बनी है, क्योंकि X2 और X3 की वैल्यू निकाले या फिर X1 X2 की निकाले उनके रेस्पेक्ट में X3 ही आ जाएगी. सिमिलरली X1 और X3 की निकाल लें उसके रेस्पेक्ट में X2 की आ जाएगी. सो ओवरऑल एक ही डिपेंडेंट कंडीशन और दो इंडिपेंडेंट कंडीशन है. सो यहाँ से डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल्स टू भी 2 आ जाएगा हमारे पास. सो डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू 2 आ गया, डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल्स टू 2 आ गया. अब डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 निकालें. सो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 निकालने के लिए अगर W1 का बेसिस निकाल लें और W2 का बेसिस निकाल लें, उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स आए वो उनके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे. सो यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 निकालने के, अगर W1 का बेसिस देखें देन बेसिस ऑफ W1 का बेसिस यहाँ से बनेगा. अगर आइडियल कंडीशन 100 010 एंड 001 वाले केस से देखें, देन इफ वी आर जस्ट टेकिंग X2 इक्वल्स टू 1, सो X2 इक्वल्स टू 1 आने की वजह से X2 इक्वल्स टू 1 और X3 इक्वल्स टू अगर 0 लेते हैं देन X1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. सो यहाँ से एक केस तो हमारे पास बन जाएगा 110 का. सिमिलरली अगर दूसरा केस लेते हैं, यहाँ से अगर लेते हैं X2 इक्वल्स टू 0 और X3 इक्वल्स टू 1, देन उसके रेस्पेक्ट में X1 की वैल्यू 2 आ जाएगी. सो 201 एक केस ये बन गया. सो यहाँ से W1 हमारे पास चेंज हो गया 110 एंड 201. सो यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 2 आ गई. इसके रेस्पेक्ट में भी हम देख सकते हैं बेसिस से भी, क्योंकि बेसिस में दो LI एलिमेंट्स आए हैं, देन यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू 2. सिमिलरली अगर डायमेंशन ऑफ W2 की बात करें, देन डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल्स टू, अगर देखें W2 के लिए भी यहाँ से फिर से वही केस लगाएंगे. अगर देखते हैं X1 इक्वल्स टू 1 रखते हैं, X2 इक्वल्स टू 1 रखते हैं, देन उसके रेस्पेक्ट में X2 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा और X3 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे. सिमिलरली अगर X3 इक्वल्स टू 1 रखते हैं, X2 इक्वल्स टू 0 लेंगे, देन उसके रेस्पेक्ट में X1 आ जाएगा 201. सो फिर से हमारे पास बेसिस में दो ही LI कंडीशंस आई हैं. सो यहाँ से बेसिस फिर से डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल्स टू 2 आ गया. सो यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू 2, डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल्स टू 2. सो यहाँ से W1 और W2 के बेसिस की बात करें, देन यहाँ से अगर इस एलिमेंट को देखते हैं, देन ये एलिमेंट दोनों बेसिस में कॉमन है. सो यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट दोनों में कॉमन है. सो अगर फार्मूला में बात करें, देन फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. सो इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, देन 2 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 3. सो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास 3. सो इस एनी टाइप क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 3. यहाँ से आंसर आ गया 3. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम Maxwell. This question is also from NET type question and this question is also from Marks 1. Then in this question, given that let V be the real vector space of all polynomial of the degree less than equals to 2. So polynomials ki degree less than equals to 2 diye with real coefficient and transformation T hume define T V to V be a linear transformation given by transformation over P equals to 2P plus P dash for P belongs to vector space and where P dash belong is the derivative of P. Then the number of non-zero entries in the Jordan canonical matrix, Jordan canonical form of the matrix T equals to. So हमें Jordan canonical form में non-zero entries निकालने हैं. So Jordan canonical form में non-zero entries निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें matrix निकालनी होगी. इस transformation के respect में, transformation के matrix respect में matrix निकाल के उसकी जो जैसी form निकाल सकते हैं. सो सबसे पहले इसके रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें पोलिनोमियल के बेसिस की बात करनी होगी. सो पोलिनोमियल के बेस में आइडियल पोलिनोमियल का पोलिनोमियल का आइडियल बेस होता है 1xx² n xx^n. यहाँ n की वैल्यू हाईएस्ट 2 हो सकती है, क्योंकि पोलिनोमियल की डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 है. सो सबसे पहले पोलिनोमियल एज्यूम करते हैं. लेट अस टेक px इक्वल्स टू a0 + a1x + a2x², देन यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी हमें गिवन है 2p + p'. सो यहाँ से 2p + p' आ जाएगा ये, क्योंकि p हमारे पास c है. सो इसका डिफरेंशिएशन a0 के रेस्पेक्ट में 0 कांस्टेंट है, a1 के x के रेस्पेक्ट में प्लस a1, a2x² का डिफरेंशिएशन 2a2x. सो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p हमारे पास ये बन गया. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p ये है. सो अगर 1x एंड x² आइडियल बेसिस लेते हैं, इसके रेस्पेक्ट में अगर बेसिस निकालेंगे देन हमारे पास बेसिस बनेगा. लेट अस टेक आइडियल बेसिस के रेस्पेक्ट में, अगर 1 के रेस्पेक्ट में
ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे देन ए ज़ीरो की वैल्यू वन है. सो अगर यहाँ से ए ज़ीरो की वैल्यू वन है और बाकी एलिमेंट्स की वन के रेस्पेक्ट में वैल्यू ज़ीरो है, सो ए वन ए वन की वैल्यू ज़ीरो एंड ए टू की वैल्यू ज़ीरो. सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ये भी वैल्यू ज़ीरो और ये भी वैल्यू ज़ीरो. सो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू आई सिर्फ टू. सो टू के रेस्पेक्ट में अगर हमने वैल्यू पुट कर दी है देन वैल्यू हमारे पास यहाँ पुट हो जाएगी. सो टू ज़ीरो ज़ीरो इसका ट्रांसफॉर्मेशन आ गया. सिमिलरली अगर एक्स की बात करें देन एक्स के रेस्पेक्ट में अगर लेंगे देन ए ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो, ए वन की वैल्यू वन और ए टू की वैल्यू ज़ीरो आएगी. सो ए वन की वैल्यू अगर वन आई है और ए टू की वैल्यू ज़ीरो आई है सो इसका ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा 2x प्लस वन. सो इसका ट्रांसफॉर्मेशन आ गया वन प्लस टू, वन प्लस टू एक्स. सो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन बन गया वन एंड टू और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ज़ीरो. से यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएगा. सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में देखते हैं देन ए ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो, ए वन की वैल्यू ज़ीरो एंड ए टू की वैल्यू वन है. सो सिमिलरली यहाँ से ए वन की वैल्यू ज़ीरो और ए टू की वैल्यू वन है, दैट्स वाई यहाँ से टू आ जाएगा. सो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आया, सो इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स. सो कॉन्स्टेंट कोफिशियंट आ गया यहाँ से ज़ीरो, एक्स का कोफिशियंट टू एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट टू. सो यहाँ से जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाया है हमारे पास, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये बन जाएगा. सो इसके लिए आइगन वैल्यू की बात करें देन ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, देन इसके डायगनल एलिमेंट सारे इसके आइगन वैल्यू होगी. सो डायगनल एलिमेंट टू टू एंड टू है, सो इसके आइगन वैल्यू आएगी टू. विद एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी बार आई है, तीन बार आई है यही आइगन वैल्यू. सो विद एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी थ्री. सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आ जाएगा नलिटी ऑफ ए माइनस टू आई. सो नलिटी ऑफ ए माइनस टू आई, सो ए माइनस टू आई की अगर बात करते हैं देन ए माइनस टू आई निकालेंगे देन हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें वो इस टाइप की नलिटी ऑफ ए माइनस टू आई जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी. सो ये मैट्रिक्स बनी है, सो इसकी नलिटी आ जाएगी हमारे पास टू क्योंकि इसकी रैंक है हमारे पास टू. सो रैंक नलिटी इक्वल्स टू एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई. सो यहाँ से रैंक टू है, दैट्स वाई नलिटी आ गई हमारे पास वन. सो इसकी नलिटी आ गई वन. सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू नलिटी ऑफ ए माइनस, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा इक्वल्स टू नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, लैम्डा इक्वल्स टू टू देन नलिटी इक्वल्स टू वन. सो यहाँ से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स इन जेसी फॉर्म, जितने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी उतने जॉर्डन ब्लॉक्स बनेंगे जेसी फॉर्म में. सो यहाँ से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वन है, सो मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही जॉर्डन ब्लॉक बनेगा देन एक ही जॉर्डन ब्लॉक बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा. अगर दो जॉर्डन ब्लॉक बनते तो मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस टाइप की बनती जिसमें आता टू ज़ीरो ज़ीरो वन टू ज़ीरो एंड ज़ीरो ज़ीरो टू टाइप की कुछ इस टाइप की मैट्रिक बनती. और अगर थ्री जॉर्डन ब्लॉक बनते देन यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाता, बट यहाँ पे एक ही जॉर्डन ब्लॉक बना है दैट्स वाई मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस टाइप की बनेगी. ये हमारे पास एक ही जॉर्डन ब्लॉक भी मैट्रिक्स है. सो इसमें नॉन ज़ीरो एंट्रीज कितनी आई, थ्री डायगनल एंट्रीज एंड दो अपर डायगनल एंट्रीज. तो टोटल फाइव एंट्रीज आ गई नॉन ज़ीरो. सो यहाँ से इस एनएटी टाइप क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास यहाँ से फाइव. सो फाइव इज़ अ राइट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम एनएटी टाइप क्वेश्चन एंड ऑफ मार्क्स वन क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज सेइंग लेट यू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एफ प्लस फोर जेड स्क्वायर फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यू देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ यू इन द डायरेक्शन. डायरेक्शन गिवन है हमारे पास थ्री बाई फाइव पाई एटा माइनस फोर बाई फाइव के एट अ पॉइंट फाइव वन जीरो इज. सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन द डायरेक्शन दिस एंड एट द पॉइंट दिस. सो अगर डायरेक्ट इन डायरेक्शन को हमने ए नाम दे दिया है देन यू की डायरेक्शन ए के रेस्पेक्ट में एट अ पॉइंट पी पर अगर निकालें देन डायरेक्शनल निकालने के लिए किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे सबसे पहले उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे. सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसका डेल यू. सो डेल यू की वैल्यू आएगी डेल यू बाई डेल एक्स इंटू आई डेल यू बाई डेल वाई इंटू जे डेल यू डेल जेड इंटू के. सो हमारे पास यू जो गिवन है उसका एक्स एंड वाई एंड जे के जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे देन एक्स के रेस्पेक्ट में सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, वाई के रेस्पेक्ट में सिर्फ इसका होगा एंड जेड के रेस्पेक्ट में इसका होगा. जेड के रेस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशिएशन होगा देन एक्स एंड वाई एज कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे दैट्स वाई उनका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा. सिमिलरली वाई एंड जेड एक्स के लिए यही कंडीशन फुलफिल होगी. सो यहाँ से डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया यू का टू एक्स आई माइनस टू जे प्लस एट जेड की.
इन द डायरेक्शन, हमें जिस डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में निकालना है, देन इस एक ही डायरेक्शन में निकालना है, देन इसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ए इक्वल्स टू डेल यू इन टू ए, डेल यू डॉट ए। सो डेल यू डॉट ए निकालने के लिए इनके इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, इनके बीच में जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे देन जे का कोफिशियंट ए के अंदर जीरो, सो दैट्स वाई जे के रेस्पेक्ट में यहाँ से वैल्यू जीरो आ जाएगी, बाकी आई को आई से इंटू कर देंगे एंड जे को जे से इंटू कर देंगे, क्योंकि डॉट में डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा आता है, सो ए एंड ए के आई एंड आई के बीच में थीटा की वैल्यू जीरो है, और बाकी आई जे जे के एंड के आई के रेस्पेक्ट में एंगल 90 डिग्री फुलफिल होता है, दैट्स वाई वहाँ से डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन जीरो आ जाएगा। सो यहाँ से इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 6/5 एक्स माइनस 32/5 जेड। सो यहाँ से एट अ पॉइंट पी, पी पॉइंट हमें गिवन है ये 5i 5 1 एंड 0, सो 5 1 एंड 0 पे इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे देन एक्स की जगह 5 y की जगह जी 1 एंड z की जगह 0 पुट कर देंगे, यहाँ से 0 पुट होने की वजह से ये 0 में चला जाएगा और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6/5 × 5 इक्वल्स टू 5 to 5 कैंसिल आउट, सो ओवरऑल वैल्यू है 6। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ यू इन द डायरेक्शन ए एट अ पॉइंट पी इक्वल्स टू 6। सो यहाँ से इसकी वैल्यू 6 आ गई। इसे निकालने का हमने सिंपली मेथड निकाला बताया है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डेल यू, डेल यू निकाल के उसको जिस डायरेक्शन में निकालना है उससे डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, देन जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेंगे। सो इजीली इसकी वैल्यू आ गई 6। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट एनईटी टाइप क्वेश्चन विद मार्क्स 1। दिस क्वेश्चन इज सेइंग लेट सी 0 1 विद द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कंटीन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन 0 to 1 एंड लेट टी बी द लीनियर ऑपरेटर ऑन सी 0 to 1 गिवन बाई टी एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 साइन एक्स प्लस वाई एफ वाई डी वाई वेयर एक्स बिलोंग टू 0 to 1 देन द डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस ऑफ टी इक्वल्स टू। सो इसके डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 साइन एक्स प्लस वाई एफ वाई डी वाई दिया है, तो इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे देन यहाँ से इसका साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला का एक्सपेंशन करेंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ से एक्स एंड वाई को ए एंड बी की जगह एक्स एंड ए बी की जगह एक्स वाई पुट कर देंगे, देन फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा इसमें। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमारे पास डी वाई के रेस्पेक्ट में है, सो यहाँ से जो एक्स की टर्म है वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगी, सो इसे इंटीग्रेशन से बाहर भी लिख सकते हैं, सो इसे सिंप्लीफाई करके हमने लिख देना है यहाँ पे साइन एक्स इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 कोस वाई एफ वाई डी वाई प्लस कोस एक्स इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 साइन वाई एफ वाई डी वाई। देन यहाँ से ये टर्म अगर फ्रेड होल्म इंटीग्रल इक्वेशन से देखें देन यहाँ से फ्रेड होल्म इंटीग्रल इक्वेशन से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देन इसे कॉन्स्टेंट सी वन लेते हैं और इसे कॉन्स्टेंट सी टू लेते हैं, सो यहाँ से इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी सी वन साइन एक्स प्लस सी टू कॉस एक्स। सो अगर इसे देखें देन बेसिस में हम जो बेसिस के एलिमेंट हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं देन उसे हम स्पेनिंग सेट के रूप में लिख देते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, सो यहाँ से उसी टाइप फॉर्म में आ गया सी वन साइन एक्स प्लस सी टू कोस एक्स। सो यहाँ से अगर देखें देन बेसिस हमारे पास बन जाएगा साइन एक्स कोस एक्स, सो इस ट्रांसफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में बेसिस बन गया साइन एक्स कोस एक्स, सो डायमेंशन ऑफ बेसिस इक्वल्स टू 2। और हमें क्वेश्चन ने यही पूछा है डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बेसिस ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी, सो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 2, सो 2 इज अ राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is saying, consider the following two statements. First statement P हमारे पास दिया हुआ है, the matrix 0 5 0 7 has a infinitely many linear LU factorization, where L denotes the lower triangular matrix with each diagonal entries equals to 1 and U is the upper triangular matrix. इसको अगर LU factorization इसका करें जिसमें L जो matrix है जिसके diagonal entries 1 है बाकी entries कुछ भी हो सकती है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में,
एंड यू हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, देन इसमें डायगोनल एंट्रीज की कोई कंडीशन नहीं दी, और देन इसके लिए इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन होंगे, और ऑप्शन और क्यू स्टेटमेंट कह रहा है 0025 हैज़ नो लीन एल यू फैक्टराइजेशन वेयर एल इज़ द लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स विद ईच डायगोनल एंट्री इक्वल्स टू 1 एंड यू इज़ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, या फिर पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है। सो पी एंड क्यू स्टेटमेंट्स को अगर देखते हैं, पी हमें कह रहा है जो मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स है इसके इनफाइनाइट एल फैक्टराइजेशन होंगे। सो सबसे पहले एल फैक्टराइजेशन निकालेंगे, एल हमें मैट्रिक्स ये दी हुई है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है। सो अगर मानते हैं दूसरी एंट्री जो एक नॉन जीरो एंट्री वो ए होगी, सिमिलरली यू जो हमें अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दी है उसमें डायगोनल एंट्री पे कोई केस नहीं है, देन बी सी जीरो डी मैट्रिक्स हमने एज्यूम कर ली। सो हमें जो पी मैट्रिक्स दी है उस पी स्टेटमेंट दिया, देन उसमें जो मैट्रिक्स दी है उसका एल फैक्टराइजेशन करेंगे, देन एल की जगह एल पुट कर देंगे एंड यू की जगह यू पुट कर देंगे, देन इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, देन वैल्यू हमारे पास ये आएगी। देन इसमें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर करेंगे, देन यहाँ से बी इक्वल्स टू 0 आएगा, डी इक्वल्स टू 5 आएगा, सिमिलरली ए बी इक्वल्स टू 0 आएगा एंड ए डी प्लस सी इक्वल्स टू 7 आएगा। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, बी तो 0 आ गया, डी 5 आ गया। सो ए कोई भी नॉन जीरो एंट्री आ सकती है क्योंकि ए बी इक्वल्स टू 0, देन बी इक्वल्स टू 0 आ गया, देन ए कैन बी एनी नॉन जीरो एंट्री या एनी नॉन जीरो और जीरो एंट्री ये कुछ आ सकता है। सो ए के रेस्पेक्ट में हमारे पास सी की भी इनफाइनाइट, ए की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए कैन बी एनी रियल नंबर, सो ए की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई। सिमिलरली ए के रेस्पेक्ट में हमारे पास सी की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई क्योंकि सी डिपेंड कर रहा है ए पे, क्योंकि डी की वैल्यू 5 है, देन ए डी प्लस सी इम्प्लाइज ए डी प्लस सी इक्वल्स टू 7, देन सी डिपेंड कर रहा है ए पे, देन इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली मैनी एंट्रीज पॉसिबल होगी, सो इनफाइनाइट मैनी पॉसिबिलिटी होगी। सो यहाँ से स्टेटमेंट जो पी कह रहा है कि हैज़ इनफाइनाइट मैनी एल यू फैक्टराइजेशन, तो ये स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्यू स्टेटमेंट हमें कह रहा है इस एल यू फैक्ट इसके लिए कोई भी एल यू फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इसके लिए अगर एल यू फैक्टराइजेशन निकालेंगे देन इसके लिए भी एल और यू की वैल्यू वही रहेगी। सो यहाँ से जो एल यू की हमने वैल्यू निकाली थी वही यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू सेम आएगी। सो यहाँ से भी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगर कंपेयर करते हैं देन वैल्यू आएगी बी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0 एंड ए बी की वैल्यू 2, बट हमने यहाँ से निकाला है बी की वैल्यू 0 है। अगर बी की वैल्यू 0 है देन ए बी कैन नॉट इक्वल्स टू 2 क्योंकि ए बी की वैल्यू भी यहाँ से 0 ही आएगी, बट यहाँ से ए बी इक्वल्स टू 2 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ से नो सच टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन पॉसिबल, तो ऐसा कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। देन यहाँ से गिवन स्टेटमेंट हमारे पास क्यू स्टेटमेंट भी ट्रू आएगा जो कहता है ऐसा कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। सो पी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट, क्यू हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, देन बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मार्क्स 2 क्वेश्चन। सो यहाँ से स्टेटमेंट बी करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NET टाइप क्वेश्चन एंड मार्क्स 2 क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज सेइंग लेट एम टू आर विद अ वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 रियल मैट्रिसेस ओवर द फील्ड आर, डिफाइन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है एस इक्वल्स टू एम टू आर टू एम टू आर सच दैट एस एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स ट्रांसपोज, वेयर एक्स ट्रांसपोज डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ एक्स। देन द ट्रेस ऑफ एस इक्वल्स टू, एस की ट्रेस निकालनी है हमें होगी क्या। एस की ट्रेस निकालने के लिए सबसे पहले एस एक्स जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है देन उसके लिए हमें मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होगा। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के हम उसकी ट्रेस निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसकी बेसिस काम में लेंगे लेने होंगे। सो एम टू आर मैट्रिक्स में एम टू आर मैट्रिक्स के बेसिस होते हैं हमारे पास आइडियल बेसिस है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। सो हमारे पास ये आइडियल बेसिस है एम टू आर का। सो ये आइडियल बेसिस है देन हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमने रिजल्ट निकाल लेना है। हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट निकाल के देन उसका मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में लिख देंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 1xx² का रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था, ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के देन उसे मैट्रिक्स में पुट कर दिया था, वैल्यू को पुट करके हमने मैट्रिक्स निकाल ली थी। सिमिलरली अगर हम इसके रेस्पेक्ट में अगर वैल्यू निकालें देन 1 0 0 0 के रेस्पेक्ट में अगर निकालें देन ट्रांसफॉर्मेशन है 2s प्लस एस ट्रांसपोज, तो यहाँ से इसका ट्रांसपोज कर देंगे देन ये मैट्रिक्स फिर से बन जाएगी। सो इसकी वैल्यू आएगी 3 0 0 0। सिमिलरली 0 1 0 0 के लिए निकालेंगे देन 2s प्लस s ट्रांसपोज, तो इसके ट्रांसपोज में देन इसका ट्रांसपोज हमारे पास बनेगा ये। देन इसका सम जब करते हैं देन इस मैट्रिक्स से देन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सम हो जाएगा, सो वैल्यू आ जाएगी 0 2 1 0। सिमिलरली यही हम इसके लिए करेंगे देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 0 एंड
इसके लिए करेंगे, देन यहाँ से 0003 वैल्यू आ गई। सो इन मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में अगर ट्रांसफॉर्मेशन अगर यहाँ से लिखेंगे, देन यहाँ से हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इसके रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा ये। सिमिलरली दूसरे मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में, इस मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन बन गया हमारे पास ये। सिमिलरली दिस मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन बन गया ये, और इसके रेस्पेक्ट में हमने ट्रांसफॉर्मेशन में वैल्यू पुट कर देनी है, देन वैल्यू बन जाएगी ये। सो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई है हमारे पास। सो अब इसकी ट्रेस अगर निकालते हैं, देन ट्रेस होता है सम ऑफ डायगनल एंट्रीज। सो यहाँ से सम ऑफ डायगनल एंट्रीज आएगी हमारे पास ये 2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 10। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 10। तो 10 इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is saying, this question is also from NET type question and question of marks 2. This question is saying, consider R cube with our usual inner product, and if D is the distance from 111 to the subspace spanning by 110 and 011 of R cube, then 3D square equals to what? So given that hume three tuples diya 111, then isse distance nikalni hai is spanning set ki डी, देन उसकी 3D² की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ से इसकी डिस्टेंस इस स्पेनिंग सेट से निकालेंगे, देन स्पेनिंग सेट से अगर कोई भी एलिमेंट लेंगे ए बी सी या एक्स वाई जेड, देन उसकी वैल्यू आएगी स्पेनिंग सेट हमें ये गिवन है। सो स्पेनिंग सेट में कोई भी एलिमेंट अगर बिलोंग करेगा, देन इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बिलोंग्स करेगा, या इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर कोई भी एलिमेंट बिलोंग्स करेगा वो इसके स्पेनिंग सेट से करेगा, देन ए बी सी, देन अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू A into 110 and B into 010. This one is linear combination of spanning set. Then यहाँ से वैल्यू आ जाएगी A plus AB plus B, A and A plus B and B वैल्यू आ गई। देन इसकी डिस्टेंस निकालनी है, इस एलिमेंट की डिस्टेंस, इस एलिमेंट की डिस्टेंस 111 से आएगी। डिस्टेंस इक्वल्स टू अगर x1 y1 and z1 की डिस्टेंस x2 y2 and z2 से निकालनी हो, देन x2 - x1² + y2 - y1² + z2 - z1² का अंडर रूट इक्वल्स टू d आता है। सो हमने यहाँ से 3D² की वैल्यू निकालनी है, देन d² की अगर वैल्यू निकालेंगे, देन सो यहाँ से जब इनका डिस्टेंस निकालेंगे, देन डिस्टेंस डी 3D² की वैल्यू निकालनी है, देन d² की वैल्यू निकालेंगे, देन d² इक्वल्स टू आएगी यहाँ से a - 1² a + b - 1² + b - 1² सो यहाँ से d² की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये। सो d² इज दिस। सो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो मिनिमाइज करनी है, क्योंकि d इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम 1 to दिस स्पेस ऑफ r² सो अगर ये डिस्टेंस है, देन ये डिस्टेंस हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम निकाल के हम 3D² की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो डिस्टेंस मिनिमम जब होगी, देन डिस्टेंस अगर जब मिनिमम होगी, देन एक्स एंड मतलब ए एंड बी के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करके डेरिवेटिव को इक्वल्स टू जीरो करके हम मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे, देन इसका ए के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देन वैल्यू आएगी 2 into a - 1 + 2 into a + b - 1, b - 1² इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगा, a के रेस्पेक्ट में, दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। सो यहाँ से वैल्यू ये आ गई, a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर इक्वल्स टू जीरो रखेंगे, देन यहाँ से सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ जाएगी ये क्वेश्चन फर्स्ट। सिमिलरली अगर इसका b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, देन सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आएगी 4b + 2a - 4 = 0। इन इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करके इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को अगर सिंप्लीफाई करते हैं, देन यहाँ से a एंड b की वैल्यू आ जाएगी। सो ए एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को सिंप्लीफाई करके हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी, ए और बी की वैल्यू अगर निकाल लिए 2/3 and 2/3 वैल्यू आएगी यहाँ से। ए एंड बी को सिंप्लीफाई करेंगे, आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, देन यहाँ से ए की वैल्यू 2/3 एंड बी की वैल्यू 2/3 है। सो यहाँ से वैल्यू आएगी 2/3 - 1² ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 4/3 - 1² एंड 2/3 - 1² सो यहाँ से वैल्यू आएगी 1 - 1/3 सो 1 - 1/3 का स्क्वायर आएगा 1/9 सो 1/9 इन द सिमिलर मैनर यहाँ से वैल्यू आएगी +1/3 सो 1/3 का स्क्वायर आएगा +1/9 सिमिलरली यहाँ से 2/3 - 1² आएगा 1/9 सो 1/9 + 1/9 + 1/9 इक्वल्स टू 3/9 सो d² इक्वल्स टू 3/9 आएगा बट 3d² निकालना है देन 3 × 3/9 विच इज़ इक्वल्स टू 3 × 3 × 9 विच इज़ इक्वल्स टू 1 सो यहाँ से 3d² की वैल्यू आ गई 1। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया हमारे पास 1।
So one is the right answer. Now come to the next and last question of this video. This question is also from NET type question and of marks 2 question. Question given that consider the matrix. Matrix given hai A equals to IN minus 2 U transpose U with U equals to hume ye matrix given hai. U equals to 1 by 3 and 9 type 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Then where IN equals to IN is the 9 cross 9 identity matrix there and U transpose there is the transpose of U. Then lambda and mu are two distinct eigenvalue of this matrix A. Then mod of lambda minus mu equals to nikalni kya aayegi. So yahan se hume mod of lambda minus mu nikalna hai. Lambda and mu dono iske eigenvalues hai. So it's A matrix ke hume eigenvalues nikalni hai jahan U hume ye diya hai. U transpose transpose of U hai aur IN I9. हमारे पास 9 क्रॉस 9 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो सबसे पहले अगर I की बात करें देन यहाँ से I9 लिया देन इसे I0 से डिनोट किया हुआ है. देन I माइनस 2 यू यू ट्रांसपोज है देन U हमें दिया हुआ है 1 बाई 3 इंटू 9 टाइम 1 1 रो मैट्रिक्स है ये. सो U ट्रांसपोज U निकालना होगा हमें यहाँ से क्योंकि यहाँ से ये 2 यू यू ट्रांसपोज दिया देन U ट्रांसपोज U अगर निकालते हैं देन U ट्रांसपोज हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 1 बाई 9 है. सॉरी यहाँ से 1 बाई 3 भी इंटू होगा दोनों में. सो 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 3 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 बाई 9 आ जाएगी. सो यहाँ से हमने 1 बाई 9 लिख लेना है और U ट्रांसपोज U बाकी U U हमारे पास रो मैट्रिक्स है देन U ट्रांसपोज हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी. सो 9 क्रॉस 1 की एक कॉलम मैट्रिक्स आ गई और ये हमारे पास 1 क्रॉस 9 की एक रो मैट्रिक्स आ गई. ठीक है देन यहाँ से अगर इनको U ट्रांसपोज U अगर निकालते हैं देन 9 क्रॉस 9 की मैट्रिक्स बन जाएगी. सो 9 क्रॉस 9 की मैट्रिक्स बनेगी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारी वैल्यूज़ हमारे पास 1 1 1 आएगी. सो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी वैल्यूज़ 1 है. देन इसकी आइगन वैल्यूज़ की अगर बात करें देन इसकी आइगन वैल्यू होगी एक तो n जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है और बाकी जो n माइनस 1 इसकी आइगन वैल्यू होगी वो 0 होगी. सो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू 9 है. सो एक आइगन वैल्यू तो इसकी रिप्लेस हो जाएगी 9 से और बाकी सो ये आइगन वैल्यू तो होगी इसकी एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी 1 एंड जो बाकी आइगन वैल्यू होगी उसकी एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी 0 नहीं बाकी जो आइगन वैल्यू होगी वो 0 विद एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी n माइनस 1. सो n की वैल्यू 9 है. सो 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8. सो 0 आइगन वैल्यू विद एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 8 एंड 1 आइगन वैल्यू विद 9 आइगन वैल्यू विद एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1. सो यहाँ से अगर a की आइगन वैल्यू की बात करें देन a की आइगन वैल्यू होगी हमारे पास आइगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू आइगन वैल्यू ऑफ आई माइनस 2 यू ट्रांसपोज यू. सो विच इज इक्वल्स टू आइगन वैल्यू ऑफ आई माइनस 2 आइगन वैल्यू 2 इंटू आइगन वैल्यू ऑफ यू ट्रांसपोज यू. सो इसकी आइगन वैल्यू यू ट्रांसपोज यू में 1 बाई 9 इंटू इसकी एक आइगन वैल्यू 9 आई और बाकी आइगन वैल्यू 0 आई है. सो इसकी एक आइगन वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 1 बाई 9 हमारे पास मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेटिव है. सो यहाँ से यू ट्रांसपोज यू की आइगन वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 0. सो इसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 0 और i के सारी आइगन वैल्यू 0 है. सो आइगन वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू आइगन वैल्यू ऑफ i माइनस आइगन वैल्यू ऑफ u 2 इंटू u ट्रांसपोज ऑफ u. सो यहाँ से अगर u ट्रांसपोज ऑफ u की आइगन वैल्यू 1 एंड 0 आई सो 2 u ट्रांसपोज एंड u की आइगन वैल्यू होगी 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू यहाँ से 2 एंड यहाँ से 0. सो आइगन वैल्यू आ गई इसकी एक इसकी आइगन वैल्यू आ गई आइगन वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू 1 आएगी और इसकी आइगन वैल्यू 1 एंड 0 आएगी. सो आइगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू आ गई -1 एंड +1. सो लैम्डा एंड म्यू इसकी आइगन वैल्यू. सो इसकी लैम्डा की वैल्यू अगर -1 अज्यूम करें एंड म्यू की आइगन वैल्यू +1 अज्यूम करें देन मॉड्यूल ऑफ लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू आ जाएगा 2. सो यहाँ से 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा. सो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास 2. सो आज के इस वीडियो में हमने गेट 2018 में पूछे गए लीनियर एलजेब्रा के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.